मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आने के बाद विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में औद्योगिक शहर इंदौर में राऊ विधानसभा के भाजपाइयों द्वारा किसान आंदोलन के तहत जिला प्रशासन को सीएम कमलनाथ के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बता दें कि शुक्रवार को इंदौर के सभी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा समर्थित किसानों द्वारा अतिवर्षा के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर प्रशासनिक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी के चलते भाजपा नेता मधु वर्मा, जीतू जिराती और भाजयुमो अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार व महिला मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राऊ विधानसभा के लोग किसान जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को सीएम कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। समय पर जगह जगह पर ज्ञापन माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया जा रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है वहां पर एक कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और सभी राऊ विधानसभा के हम सब कार्यकर्ता यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देना है कि माननीय कमलनाथ जी को ज्ञापन देकर के हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों का नुकसान हुआ है, अभी जिस तरह से पानी गिरा है पूरे प्रदेश के अंदर, फसलें सब चौपट हो गई हैं और मैं समझता हूँ अभी तक सर्वे का भी काम चालू नहीं कराया कमलनाथ जी ने, और मैं समझता हूँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत इसका सर्वे कराएं और किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, आज किसानों की बहुत बुरी हालत है, सोयाबीन करीब करीब पूरी 100% नष्ट हो गई है। और मैं समझता हूँ पिछली बार भी जब माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम लोग जो है भावांतर का भी पैसा देंगे, भावांतर का मतलब जो है सोयाबीन का जो पैसा 500 रुपये देना था, गेहूं में 200 रुपये कुंटल देना था, लहसुन के पैसे देना था, और कमलनाथ जी ने एक घोषणा करी थी कि 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। शहरी क्षेत्र के अंदर उन्होंने बोला था कि 4,00,000 रुपये महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जिस तरह से शिवराज सिंह जी के टाइम में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी उसके अंदर 25,000 रुपये मिलते थे उनको, आज कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि हम 50,051,000 रुपये देंगे। आज तक एक पैसा साल भर हो गया है, एक पैसा कन्यादान का नहीं मिला है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता मधु वर्मा ने कहा कि ना तो क्षेत्र के किसानों के 2 लाख कर्ज माफी हुई है और ना ही खराब हुई फसलों का मुआवजा मिला है। वहीं कोई अधिकारी भी किसानों के हाल जानने नहीं आया। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मंत्री जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र के लोग माणिक बाग से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे।